ये है वक्त मीडिया। आली मर्तबत जनाब असरारुल हक साहब और हमारे मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद आमिर साहब, कादिर किठौरवी शफीक साहब वक्त मीडिया से नंग मुरादा फरमाए। कहा है कि मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मैं अपनी जात के खुद मुस्तकिल हिसार में हूँ। मैं अपनी जात के खुद मुस्तकिल हिसार में हूँ। मैं चलना चाहूँ तो एक गाम चल नहीं सकता। मैं अपनी जात के खुद मुस्तकिल हिसार में हूँ। मैं चलना चाहूँ तो एक गाम चल नहीं सकता। खुद अपनी जात पे मुद्दत से है नजर मेरी। मैं अपनी जात के मुद्दत से हूँ ताकुम है। मैं अपनी जात के खुद मुस्तकिल हिसार में हूँ। मैं चलना चाहूँ तो एक गाम चल नहीं सकता। खुद अपनी जात पे मुद्दत से है नजर मेरी। मैं अपनी जात के मुद्दत से हूँ ताकुम में। खुद अपने आप को मिलने नहीं दिया खुद से। खुद अपने आप को मिलने नहीं दिया खुद से। खुद अपने आप को मिलने नहीं दिया खुद से। तमाम उम्र मेरी साजिशों में गुजरी है। मैं अपनी जात के खुद मुस्तकिल हिसार में हूँ। मैं चलना चाहूँ तो एक गाम चल नहीं सकता। खुद अपनी जात पे मुद्दत से है नजर मेरी। मैं अपनी जात के मुद्दत से हूँ ताकुम में। मैं खुद अपने आप को मिलने नहीं दिया खुद से। तमाम उम्र मेरी साजिशों में गुजरी है। तमाम उम्र में तरसा हूँ अपनी कुर्बत को। खुद अपने बीच खड़ी की है मैंने दीवारें। खुद अपने बीच खड़ी की है मैंने दीवारें। है मेरी जात मासी का एक गहवारा। है मेरी जात मासी का एक गहवारा। मेरा हरीफ है दरअसल नफ्से अम्मारा। है मेरी जात मासी का एक गहवारा। मेरा हरीफ है दरअसल नफ्से अम्मारा। ये वो हरीफ है जिसने मुझे तबाह किया। इसी के कहने पे मैंने हर एक गुनाह किया। है मेरी जात मैं अपनी जात के खुद मुस्तकिल हिसार में हूँ। मैं चलना चाहूँ तो एक गाम चल नहीं सकता। खुद अपनी जात पे मुद्दत से है नजर मेरी। मैं अपनी जात के मुद्दत से हूँ ताकुम में। खुद अपने आप को मिलने नहीं दिया खुद से। तमाम उम्र में तरसा हूँ अपनी कुर्बत को। खुद अपने बीच खड़ी की है मैंने दीवारें। तमाम उम्र मेरी साजिशों में गुजरी है। है मेरी जात मासी का एक गहवारा। मेरा हरीफ है दरअसल नफ्से अम्मारा। ये वो हरीफ है जिसने मुझे तबाह किया। इसी के कहने पे मैंने हर एक गुनाह किया। है मेरे अंदरू मुद्दत से एक महाजार आई। है मेरे अंदरू मुद्दत से एक महाजार आई। मेरे खिलाफ हूँ कब से मैं खुद ही खेमा जन। खुद अपने खेमों पे शबखून के फिराक में हूँ। है मेरे अंदरू मुद्दत से एक महाजार आई। मेरे खिलाफ हूँ कब से मैं खुद ही खेमा जन। खुद अपने खेमों पे शबखून के फिराक में हूँ। बजुज मेरे मेरा दुश्मन नहीं है और कोई। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। बजुज मेरे मेरा दुश्मन नहीं है और कोई। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। ये जंग अब मुझे अपने खिलाफ लड़नी है। ये जंग अब मुझे अपने खिलाफ लड़नी है। ये जंग अब मुझे अपने खिलाफ लड़नी है। और इस वजूद की पुरजोश खाना जंगी में मुझे खबर है कि मेरा ही कत्ल होना है। है मेरे अंदरू मुद्दत से एक महाजार आई। मेरे खिलाफ हूँ कब से मैं खुद ही खेमा जन। खुद अपने खेमों पे शबखून के फिराक में हूँ। बजुज मेरे मेरा दुश्मन नहीं है और कोई। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। ये जंग अब मुझे अपने खिलाफ लड़नी है। और इस वजूद की पुरजोश खाना जंगी में मुझे खबर है कि मेरा ही कत्ल होना है। मुझे खबर है कि मेरा ही कत्ल होना है। बड़े ही शौक से मक्तल भी खुद सजाया है। जी। और इस वजूद की पुरजोश खाना जंगी में मुझे खबर है कि मेरा ही कत्ल होना है। बड़े ही शौक से मक्तल भी खुद सजाया है। जहां पे कत्ल भी जाकर मुझी को होना है। मैं अपनी जात में मक्तूल भी हूँ कातिल भी। दुआ मिला के फरमाए। और इस वजूद की पुरजोश खाना जंगी में मुझे खबर है कि मेरा ही कत्ल होना है। बड़े ही शौक से मक्तल भी खुद सजाया है। जहां पे कत्ल भी जाकर मुझी को होना है। मैं अपनी जात में मक्तूल भी हूँ कातिल भी। मैं खुद के कत्ल का इल्जाम अपने सर लूंगा और अपने आप को खुद कत्ल की सजा दूंगा। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 क्या कहने।
बहुत खूबसूरत नज़्म पढ़ते थे। इनायत बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। किठोर के पास सरौनी में मुशायरा था और एक लफ्ज कह रहा हूं कि कादिर का इसरार था कि असरारुल हक साहब से मुलाकात जरूर होनी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम असरार साहब से और मोहम्मद आमिन साहब से मुलाकात ना करते हमारा इधर का सफर बेकार होता, इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए और एक नशिस्त का इनकाद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।